अब ममता, ए ममता, अपने राज्य से ममता इमोशनल हो गई प्याज जी के देख के, एकरा के अपने इलाका से भेजबू झारखंड से। अब भैया हम चाहब कि एगो भोजपुरी माटी के खुशबू वाला कुछ सुने के मन कर रहा था। वाह, शुभ नाम उनकर। उनका नाम है पवन आनंद, धनबाद झारखंड से। धनबाद झारखंड से पवन आनंद इहन, राज्य बाटे उनकर झारखंड। खबरिया ए राजा जी, अब खबरिया ए राजा जी, कि आजे धके आजा, कि आजे धके आजा रे लगड़िया ए राजा जी, आजे धके आजा रे लगड़िया। पवन बाबू झारखंड से, अद्भुत बाड़ा, एकदम खांटी। हमरा के लगल कवालियों गई तो एकदम आतंक मचा देवा, एकदम खींच, बहुत आवाज में बहुत शक्ति, बहुत 500 किलो का वजन बाटे इनकर। ममता जी का कहूँ, हमहू के निक लागल। आगे माई लोगन के ऊपर चल रहे, कल्पना जी अच्छा ही लगा। सॉन्ग सिलेक्शन बहुत ही पैपी एक नंबर था, और रिदम बहुत ही, रिदम ही इसका खास बात है, मुझे, मैंने ऐसा महसूस किया। लेकिन बहुत सारी जगहों पे सुर से आप गए हैं, स्ट्रॉन्ग वॉइस। बाकी मालिनी जी के बोलने के बाद एक सजेशन लेंगे। मालिनी जी, सुर आपका कई जगह गया, अंतरे में भी कई जगह गया, लेकिन ये वो चीज़ है जिसे हम चाहते हैं कि सुर संग्राम में गाया जाए, सुना जाए, ये चीज़ होनी चाहिए। और इसलिए हम दोनों की ओर से आपके लिए उम्मीद अभी बाकी। वाह वाह, मुबारक हो बाबू। कुछ कहे चाहूंगा? सुर तो जानते ही नहीं, सच्चाई है बा कि सुर हमरा कुछ ना आवे। कहे से कि पहला बार जब ये सुर खाती, पहली बार सर जब हम हारमोनियम के काम लागल हमरा, तो याद बा 98 में माई हमर कान के बाली बेच के देने रे। ठीक बा बाबू, लेकिन आज इतना बड़ा मंच, वह माई के कान के बाली आज देखा फल गई, आज हिंदुस्तान देखा था तरह के बाली फिर खरीद के दिया। ठीक है जी, हाँ ठीक है। सिलेक्शन अगर सुर के मामला बात, तब हमार ना हो पाई, कहे से कि हमारा में सुर नहीं के, हम बस ऐसे ही सुन सुन के गावे के आदत बा, जैसे हो जाला बस ऊपर वाले के दया। जैसे जैसे एपिसोड आगे बढ़ रहा बा, वैसे वैसे सूरज भगवान से कर हल बाड़न कामना,
निहोरा करलवाड़न अपन अपन टीम के मजबूत दमदार सेना खातिर आलोक बाबू का कहवा केकरा के उतरवा कौन योद्धा आई तुरंत अब कि हम भेजता नहीं बिहार से शेखपुरा जिला से रागनी कान जी के वाह बिहार से शेखपुरा जिले से रागनी जी स्वागत जाके बसेला परदेश में हाय पगली की भेस में रहत वानी हूँ हाय बिरहा की आग में जरत वानी हूँ अच्छा गुड़िया रानी छठी मैया के त्योहार माई के पर्व आपके ढेर सारी शुभकामना का कहे चाबू कैसे लगा था मंच सपने से कम नहीं है मालिनी जी को देखकर कल्पना जी को देखकर बहुत खुशी हो रही है पहले तो सिर्फ उनका गाना सुनकर सीखती थी मेरे सामने मेरा गाना सुन रहे हैं इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है मेरे लिए बहुत बहुत अच्छा का कहवा आलू बाबू हम इनकर आवाज के कायल बने जो बिहार के सबसे बड़े आदर्श के रूप में आगल बाड़न वो कायल बाड़न अब चलल जाओ मालिनी जी के पास मालिनी जी आलोक इनको आपने किस आधार पे यहाँ पर टीम में आप चुन करके लाए इनकी आवाज मुझे अच्छी लगी ये भोजपुरी में आगे क्या क्या गा पाएंगे जिस टाइप के गाने में दूंगा मुझे विश्वास है कि ये गा सकती है आपके गाने में नो डाउट आप बहुत अच्छा गाती हैं लेकिन आपके गाने में भोजपुरियत कहीं नहीं थी कल्पना बताएं उनकी उनकी जो भावना है मुझे बहुत सच्ची लगी मतलब नहीं कल्पना मुझे तो आज क्योंकि यहाँ पर हम लोग भोजपुरी का सुर संग्राम कर रहे हैं और ये सवाल और ये उंगली उठेगी शास्त्रीय संगीत का ज्ञान होना एक बात है रवि किशन के सामने खेला पूरा एक्टिंग का खेला देना चाहते हुए भी आप जिस रंग का सूट पहने हैं ओहो रे बाप रे बाप रवि किशन के सामने खेला पूरा एक्टिंग का खेला देवी माई का आशीर्वाद तरह के छठी मैया कब मिल गई अब जा सकेंगे जय हो बेटा जय खुश रहो
बेमिसाल 12 में बिहार की तरफ से हमारा सिलेक्शन हो गई बानी। ये हमारा सपना बा कि इस मंच पर आगे बढ़ी और आलोक भैया के नाम रोशन करी।